हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एक्चुअली काफ़ी दिन से कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो आज हमने सोचा कि एक प्रोडक्ट हमने मंगाया तो उसका रिव्यू करते हैं। तो एक्चुअली इसको खरीदने का हमारा पर्पस क्या था? एक्चुअली जैसे हम लोग कई बार मॉल जाते थे या कहीं बाहर गए, तो ये मॉल्स में जनरली आपने देखा होगा। और तो श्वेता का काफ़ी दिन से मन था कि मम्मी को ये, मम्मी पापा के लिए इसको लाना था उसको, क्योंकि वो लोग कई बार, अब एज भी ज़्यादा है तो उन लोग को इसका ज़्यादा यूज़ है उनके लिए। तो काफ़ी दिन से सोचते सोचते ये कल डिलीवर हुआ है हमारे पास, तो ये रीज़न था हमारे लिए। अभी आप इसको किसी भी बुजुर्ग को या आप खुद भी इसको एक रिलैक्सिंग उसके ये पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हो। और यह कि आप मदर्स डे पे या अपने मॉम या डैड के बर्थडे पे इसको गिफ्ट भी कर सकते हो, तो ये अच्छा ऑप्शन एक है आपको उनको गिफ्ट करने का। सो इट्स योर चॉइस। हमारा ये था कि हम अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट देना चाहते थे। श्वेता का था, मेरा तो नहीं, श्वेता का था एक्चुअली। एनीवे चलिए इसका आगे देखते हैं हम, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है ये लाइफ लॉन्ग कंपनी का है, और इसमें एक मॉडल और है जो कि प्लेन है, उसमें हीट फीचर नहीं है। मतलब कि उसमें केवल मसाज देता है वो, उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं करता है वो। तो ये हमने इसको एक्स्ट्रा पे किया हीट वाले मॉडल के लिए। तो इसमें देखते हैं, चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा फीचर है इसका। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाला बटन दबा दीजिए, वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, है ना? चलिए आइए, कम ऑन। ये स्पेस है, ये स्पेस दिया है इसमें। यहाँ पे आप एक्चुअली यहाँ पे अपना जो पैर है वो रेस्ट करेंगे। और दूसरा फिर इसका, इसमें एक स्टैंड भी दिया हुआ है इसका, जो हाइट को वो करने के लिए, आई मीन मैनेज करने के लिए। ये नीचे एक स्टैंड दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं नीचे एक स्टैंड है। इसको आप इसके यूज़ करके, इसको यूज़ करके आप इसकी हाइट को मैनेज कर सकते हैं। मतलब इसकी हाइट को आप लगभग अपने नी तक ला सकते हैं। तो अभी बाकी चीज़ें आपको अंबुज ने बता दी हैं। अभी बेसिकली इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया है और मैंने इसको पहले भी यूज़ किया है, इसलिए मुझे इसके बारे में आइडिया है और इसका मैनुअल भी मैंने अच्छी तरह से रीड किया है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर छोटा सा डायल है यहाँ पर, और ये बहुत ईजी बना देता है आपके काम के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटा है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें फंक्शंस ऑपरेट करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पावर की बटन है जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैनुअल है, ऑटो है, वाइब्रेशन और वार्म्थ मोड है। बाकी ये फुट एंड काफ और काफ और फुट, ये सब जो लिखा है इसका मतलब होता है कि आपको मसाज अगर फुट काफ दोनों में चाहिए तो ये मोड ले लीजिए, काफ बस में चाहिए तो ये मोड ले लीजिए, फुट में चाहिए तो आप ये मोड ले सकते हैं। जैसे किसी किसी को काफ में नहीं अच्छी लग रही है मसाज, फुट में अच्छी लग रही है, तो दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट लेवल। और इसमें पैर प्लेसमेंट का यही तरीका है। इसमें एक चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, लोग इसमें खड़े होने का भी ट्राई करते हैं, वो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि उससे आपकी मशीन के मोटर डैमेज हो जाएंगे। इसको बैठ के ही करना है आपको, इस तरीके से फुट आपका ऐसे नीचे के लेवल पे आएगा, और उसके बाद ये काफ का एरिया लगभग पूरा कैरी करता है। कई बार अगर आप इसकी हाइट थोड़ा बढ़ा लेंगे तो आपके नी लेंथ पे भी पहुंच जाता है। बाकी इस मशीन का एरिया बहुत ब्रॉड है, तो अगर किसी के हैवी काफ है ना, बड़ा पैर है या थोड़ी फैटी पैर है, तो आराम से ये उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, छोटा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इवन अगर आप पतले बहुत हैं तो ज़रूर आपको कम लगेगा, क्योंकि मैं इसमें पैर डालती हूँ तो मुझे काफ एरिया बहुत प्रेस करके रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे काफ बहुत पतले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा है। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है यानी काफ एरिया के में फैट ज़्यादा है, तो अच्छा है, ये बहुत अच्छे से एडजस्ट होता है। तो अब हम आते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑन ऑफ बटन है, ये मैंने पावर ऑन कर दिया। अब आप देखेंगे डिस्प्ले पे ऑटोमेटिकली 15 मिनट आ जाएगा। अब ये जो टाइमर है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये 15 मिनट ही सेट है, इसको ऊपर नीचे करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके नीचे जो मोड लिखा है उसमें P1 आप देख सकते हैं, इसमें तीन मोड दिए हुए हैं, P1, P2, P3। ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल के मोड हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको मसाज फील होगी। अब इसमें मोड मैंने आपको दिखा दिया, फिर आते हैं वाइब्रेशन और वार्म्थ वाले बटन पे।
इसको ना स्पेशली मैंने वॉर्म्थ के लिए लिया था, क्योंकि मेरा मानना था कि अगर मसाज के साथ साथ अगर थोड़ी वॉर्म्थ मिलेगी ना मम्मी पापा को तो उन्हें और अच्छा लगेगा, और जनरली भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा इम्प्रूव होता है, तो इसके लिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा पे करके वॉर्म्थ वाला मॉडल परचेस किया था। और ये है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन भी बहुत बेनिफिशियल अगर वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है या फिर ज़्यादा बैठे रहते हैं, शुगर का प्रॉब्लम है, काफ में बहुत क्रैम्प आते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल है वाइब्रेशन आपके लिए। तो ये हो गया वाइब्रेशन और वॉर्म्थ। मैनुअल में जाते हैं अभी हम। मैनुअल में आप अपने से सेट कर सकते हैं। अब मैनुअल गए तो सबसे पहले ये गया फुट एंड काफ वाले लाइट पे, मतलब आप फुट और काफ दोनों एक साथ मसाज ले सकते हैं। सेकंड पे काफ आया, सिर्फ काफ में मसाज लेंगे, फुट बंद रहेगा। थर्ड में फुट में मसाज हो रही है, काफ बंद हो जाएगा। तो ये आप अपने से भी सेट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे मसाज चाहिए। तो ये मैनुअल का मतलब हो गया। बस इसमें इतने ही फीचर हैं गाइस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऑटो डाल सकते हो, ऑटो में P1 P2 P3 जो मैंने अभी बता दिया आपको। इसके अलावा इसमें कोई भी फीचर नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं आता तो आप बस ऑन करो, अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा किसी न किसी प्रोग्राम में, उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, 15 मिनट का फंक्शन था। अभी पूरी हीट फील कर लेते हैं हम कि ये हीट कर रहा है, वार्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, मसाज कैसी दे रहा है, फिर मैं आपको रिव्यू करती हूँ। और अंबुज इसमें फ़िलहाल बैठे हैं क्योंकि उन्हें मसाज बहुत पसंद है, तो वो आपको फाइनल रिव्यू बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा। अभी बाकी मशीन के बारे में इतनी ही डिटेल थी जो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं आप थोड़ा बहुत बढ़ा के। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं है, एक अच्छा हैवी मॉडल तो है लेकिन बहुत भारी भी नहीं है, आराम से आप इसको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। बस इसमें प्रिकॉशन एक ही बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें खड़े होने का ट्राई मत करें, क्योंकि खड़े होने पे इसके मोटर डैमेज हो जाएंगे। पावर कंजम्पशन इसका लगभग 80 वोल्ट के आसपास दिखा रहा था उसके मॉडल नंबर में, बाकी आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी आपको इस मॉडल की, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। तो अभी अंबुज इसको स्टार्ट कर रहे हैं और अभी 13 मिनट पर आ गया है, ये पूरा यूज़ कर लें फिर ये आपको रिव्यू करते हैं। और अंबुज अभी इंजॉय कर रहे हैं अपनी मसाज को, और सिम्बा को देख के उसको लग रहा है कुछ तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा है, और सिम्बा भी सोच रहा है ये चल क्या रहा है। सो यार मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये मतलब मसाज इतनी अच्छी दे रहा है। और जहाँ तक बात रही वॉर्म की, मतलब हीट की, तो हीट मेरे हिसाब से नॉमिनल, बहुत ही नॉमिनल थी, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल थी हीट, ऐसी सच मुझे समझ में नहीं आ रही थी। और बात करते हैं मसाज की, तो मसाज मतलब एक्सेप्शनल, मतलब अगर कोई इंसान ऐसा थका आए और बिल्कुल मतलब एग्जॉस्टेड हो तो बहुत ही अच्छा रिलैक्स कराएगा ये, है ना। तो आई होप कि मतलब होप क्यों, मैं तो श्योर हूँ कि मम्मी पापा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है ये। और ये मसाज तो, कैसे कर रहा था मसाज, मतलब काफ में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा अच्छा, सॉरी काफ में बोल रहा हूँ, फुट में अच्छा प्रेशर दे रहा था, काफ में मुझे क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो, हो सकता थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है ना आगे पीछे, एडजस्टमेंट मैंने प्रॉपर नहीं किया रहा होगा, तो काफ में थोड़ा सा मुझे प्रेशर कम समझ में आ रहा था, लेकिन फुट में काफी काफी मतलब बहुत ही रिलैक्सिंग था ये। और एक बार हम नॉइसलेस भी है ना, ज्यादा आवाज भी नहीं कर रही मशीन, आवाज भी नहीं कर रहा, और वाइब्रेशन भी है, और फिर आपका इसमें नीडिंग मसाज भी है ना। तो कल मम्मी पापा को हम इसको देंगे और फिर इसके बाद आपसे शेयर करेंगे, उन ये बताएंगे आपको कि उनको कैसा लगा। तो फिलहाल आपको कैसा लगा? फिलहाल मेरे को तो अच्छा लगा, मेरे को तो एक नंबर लगा, और 10 अंक हैं उनमें मैं इसको 9 दूंगा, एक नंबर काटूंगा इसका वॉर्म के लिए, एक नहीं मैं इसका 2 नंबर काटूंगा वॉर्म के लिए, क्योंकि हमने स्पेशली पे किया है इसके लिए। तो 8 out of 10 मैं इसको मार्क करूंगा, देखते हैं मम्मी पापा कितना इसको मार्क करते हैं। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम मम्मी पापा को कल इसको गिफ्ट करने वाले हैं, और मैं उनका रिएक्शन जरूर लूंगा इसके लिए, और अभी तो मैं इसको एंजॉय करने वाला हूँ, अभी मैं इसके पूरे 15 मिनट यूज़ करूंगा। तो अंबुज ने इसे पूरी तरह से इंजॉय किया, और आइए हम आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट जो हमने वीडियो शूट किया उसमें मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा था। हाँ बताइए कैसा लग रहा? बहुत अच्छी मशीन है, बहू रानी को बहुत बहुत आशीर्वाद, इतना अच्छा पैर दबा रही है।
बहू को भी कहें बहू का बहू की सेवा बहुत अच्छी लगी, इस सेवा से आप प्रसन्नचित हो गए, इस बहू को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, इस मशीन का रिव्यू। मम्मी पापा को मशीन बहुत अच्छी लगी और उसे डेली यूज़ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।